Hello student, in this video we discuss some questions, that is some word problem related to proportion. Proportion से related कुछ word problem है, उसको discuss करते हैं. A question is given to you that the ratio of the length of school playground to its width. एक school के अंदर playground है, उसके length का ratio दे रखा है width के साथ. The ratio of length to its width is 5:3. मीन्स गिवन क्या है आपको, एक स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड है और उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो. सो गिवन में हम लिखेंगे गिवन द रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ का रेशियो उसकी विड्थ के साथ इज गिवन टू यू, दैट इज 5:3. आपको दे रखा है 5:3. द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ is given to you is equal to 5:3, and if the width of a ground is 66 meter, agar ground ki jo width hai wo aapko de rahega 66 meter, means width of the ground is given to you 66 meter, you have to find the length of the ground. Aapko length of the ground find karni hai, means aapko length find karni hai ground ki. If width of a ground ki width kitni given hai aapko 66 meter is equal to 5:3. Now आप देख सकते हैं length ratio 66 is equal to 5:3. आपको दे रखा है कि two ratios are equal. आपको simply दे रखा है ये दो ratio है, पहला ratio that is length ratio 66 equal दे रखा है 5:3 के. जब ratios equal होते हैं, means ये proportion में दे रखा है आपको, when two ratios are equal then it is said to be in proportion. अगर दो ratio equal हैं तो वो किसका formula लगा सकते हैं, अपन proportion का formula लगा सकते हैं. और अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये ratio proportion में है. अगर ये proportion में है, means इसमें formula लग जाएगा. जब ratio proportion में होते हैं उनमें हम formula लगा सकते हैं, product of extreme term is equal to product of mean term. Product of extreme term का product मतलब length and multiply by 3. लेंथ ऑन 3, एक्सट्रीम पोजिशन पे आ रही है तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म में लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म. प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म में जो बीच की टर्म्स आ रही है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 66 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है तो हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इक्वेशन के सेकंड तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 66 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3. सो आपको लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या लिखेंगे, 66 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3. नाउ 66 वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3. 3 से 66 कैंसिल आउट हो रहा है 3 के टेबल में, 3 वन जा 3 एंड 66 आएगा 22 times. So the value of length is equal to 22 multiply by 5. 22 को 5 से multiply कर देंगे, that is 5 × 2 = 10, carry 1, 5 × 2 = 10 + 1 = 11, यह आएगा 110 centimeter या meter. Question में आपको unit meter में दे रखी है, 66 meter दे रखी है width, तो length भी आपने निकाल ली 110 meter. अब ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम थी इसके अंदर जब आपने लेंथ कैलकुलेट करी तो कंसेप्ट कौन सा लगा है इसके अंदर, इसके अंदर जो कंसेप्ट लगा है वो लगा है प्रोपोर्शन का कंसेप्ट. जब भी दो रेशियो इक्वल दे रखे होते हैं तो अपन उसमें प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट लगाने के बाद आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगता है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म. इस फॉर्मूले का यूज करके आपने लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और लेंथ आ गया आपके पास 110 मीटर. सो द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड, जो भी प्लेग्राउंड था स्कूल का उसकी जो लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली वो आगे लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इक्वल टू 110 मीटर. नाउ होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.